सर। हाँ बाबू देखो शैतान, हम आपको क्या बता रहे हैं बाबू, डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं। क्या बता रहे थे बाबू? लक्ष्मी मन से पढ़ना। आदित्री वीडियो बंद हो गया। आदित्री बाबू जानवीदास बंद कर। आपको क्या पढ़ाते बाबू? डिस्प्लेसमेंट पढ़ाते हैं ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता होगा ना बाबू, फाइनल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट को बीच का जो डिफरेंस होगा ना, डिस्टेंस होना, उसी को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है ना। जैसे बाबू मान लो यहाँ पे हो, समझना है, यहाँ से बाबू आपने गाड़ी चलना शुरू किया, ठीक, यहाँ से जाके बाबू यहाँ पहुंच गया, उत्कर्ष को म्यूट करने के लिए बोलिए। ठीक ठीक बाबू, चलो अच्छी बात है, है ना। अब इसको कह रहा बाबू, जैसे मान लो बाबू कि इसका डिस्प्लेसमेंट, जैसे मान लो बाबू ये 10 मीटर चला, 10 किलोमीटर चला, और ये कितना चला? 10 किलोमीटर चला, है ना। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर? जिस रास्ते से आप जा रहे हो, जिस रास्ते से आप जा रहे हो, वही क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा, जिस रहा 20 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछेगा सर, डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? ये इनिशियल पॉइंट है, ये क्या? इनिशियल पॉइंट है, और क्या है? ये फाइनल पॉइंट है ना। तो इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट रास्ता होगा, जो शॉर्टेस्ट रास्ता होगा, यही क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा ना, डिस्प्लेसमेंट होगा ना, डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल, ठीक है ना बाबू। इसको अगर थोड़ा सा अगर डायग्राम आपको बिना राइट एंगल ट्राइंगल वाला डायग्राम जब भी देगा, राइट एंगल ट्राइंगल देगा, ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल ही देगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। अभी आप लोग इतने नहीं हो कि आपको ये कर्व सरफेस दे देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 90 डिग्री ही बनेगा, है ना। तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो यही शॉर्टेस्ट रास्ता होगा, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे ना, फाइंड आउट करेंगे ना बाबू, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या था? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का दूरी होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का क्या डिफरेंस होता है? शॉर्टेस्ट पाथ, है ना बाबू। तो इसी से रिलेटेड बाबू एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एलकेजी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं सर। इसका डिस्प्लेसमेंट सर 10√2। हाँ बेरेला, ठीक है ना, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना, किस बुक का है ये? हमारी उसके बुक का है ना, शिवांगी के बुक का है, ठीक। चलो बाबू करो इसको, जल्दी से करो। और बाबू आप लोग को किसी भी बुक से क्वेश्चन पूछना है, आराम से पूछ सकते हो। लिखो जल्दी से लिखो तो मोशन ऑफ ए पार्टिकल। मोशन ऑफ ए पार्टिकल, हाँ नंबर टू, मोशन ऑफ ए पार्टिकल बाबू। सोन सोन बाबू बिलो। अच्छा सर, जो बैच ए में करवाए थे वही करवा रहे हैं क्या? हाँ बाबू, तो बैच ए बैच सी में अंतर थोड़ी है बाबू, बच्चा दो कराए चाहे थ्री कराए, समझवे करेगा, है ना। उन्हें नंबर बाबू, तो इसका फेयर नहीं बना सर, केवल उसी में काम चला ले। मोशन ऑफ ए पार्टिकल बाबू, सोन बाबू बिलो, ऐसे तान वो अलग बनाओ, उसमें इसका अलग बनाओ, उसका अलग बनाओ, इसको आधा दूर ले जाके छोड़ देंगे, उसमें कंप्लीट चलेंगे सर। बिलोन क्या होता है? अरे सदान बिलो है बाबू, मोशन ऑफ ए पार्टिकल बाबू, सोन बिलो बाबू, सोन बिलो है ना बाबू। ऑन ए नंबर लाइन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। सर आपने नंबर लाइन के बाद फुल स्टॉप दिया है। हाँ बाबू, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बाबू, displacement from A to B find the displacement बाबू from A to B, B to B number B to C, C number बाबू over all journey distance sir। सर लाइन के बाद पॉइंट दिए हैं। हाँ बाबू, find the displacement बाबू। हम लोग displacement पढ़ रहे हैं ना, distance तो निकाल ही लेगा, लिख लो बाबू, find the बाबू distance and displacement दोनों लिख लो शैतान, कहलर और रोड लोगों। हाँ बाबू लिखिए, डी नंबर बाबू, साइड में ना थोड़ा सा। चलो ठीक है,
ओवरऑल जर्नी के द्वारा निकालना है ना। चलो देखो मन से पढ़ा बाबू। अरे देखो इसमें कौन बच्चा है बाबू, एक बच्चा एक आनंद है खाली वहां पे रखा हुआ है ना मोबाइल। सर ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट सर। हाँ बाबू। अरे शैतान लिख दिया बाबू, मोशन ऑफ पार्टिकल बाबू, फोन भी लो बाबू और नंबर लाइन बाबू है ना। ठीक सर, साइड व्यू। डायग्राम बाबू बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, बिना डायग्राम के आप लोग कैसे बनाओगे? तो सर रुकिए थोड़ा, हम लिख लिए उसके बाद। लेट से क्यों आती हो प्रतिशा? लेट से आती है? लेट से नहीं आई थी सर, डिस्कनेक्ट हो गया था पहले से। अच्छा, आ चुकी थी। जीरो है बाबू, टू है, फोर है, सिक्स एट, सिक्स है, एट है, माइनस टू है, माइनस फोर है, माइनस सिक्स है, माइनस एट है। ठीक, बी है और यहाँ पे सी है। तो ए से बी में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, बी टू सी करना है और पूरे जाना है। सर लिखे जो फाइंड द उसके बाद डिस्प्लेसमेंट लिखे क्या? हाँ बाबू, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ए टू बी हो गया, लिखो फिर समझाते हैं। लिखे बाबू अस्मिता। सर ए से बी डिस्प्लेसमेंट सिक्स। अच्छा ठीक है बाबू। अनुज सर ए का आएगा सर माइनस सिक्स और बी का आएगा सर माइनस ट्वेल्व। अच्छा ठीक है, बताओ सियाना बाबू, सियाना बताए बाबू, सियाना जल्दी से। डिस्प्लेसमेंट सियाना जल्दी बताए बाबू, जल्दी बताइए। सर ये क्या ऑप्शंस दिए हैं? सर ए से बी डिस्टेंस भी सिक्स होगा सर। सर हम थोड़ा सा वीडियो बंद कर डिस्प्लेसमेंट सिक्स। देखो क्या करना है, शांति समझो। डिस्प्लेसमेंट सिक्स होगा। अच्छा ठीक है, शांति समझो, अल्लाह कर रहे। देखो क्या करा बाबू है ना, मोशन ऑफ ए पार्टिकल, कोई पार्टिकल है ठीक है ना बाबू, मान लो यहाँ पे पॉइंट ए है सर, ये क्या पॉइंट ए है, ये जीरो है ना बाबू, तो ये पॉइंट ए हो गया। यहाँ से चलना शुरू किया, मान लो बाबू आपके पास फोर व्हीलर है, मेरे पास तो नहीं बाबू, कब होगा है ना, यहाँ पे आपके पास फोर व्हीलर बाबू है ना, ठीक है बाबू, ठीक है ना, यहाँ से चलना शुरू किया ठीक है। अब यहाँ से चलना शुरू किया तो कहाँ क्या गया सर, ए से बी में गया, ए से कहाँ गया बी गया, फिर बी से कहाँ गया बाबू सी गया, बी से कहाँ गया, बी से कहाँ गया सी गया, बी से कहाँ गया सी गया है ना बाबू। तो पहले ए से बी में आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है ठीक। बी से सी, बी से सी में क्या निकालना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना बाबू। फिर ओवर और जर्नी का निकालना, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे गया फिर सी पे आ गया है ना, तो इसका ओवर ऑल जर्नी का निकालना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है ना। शांति से सुनो, जो पढ़ लिया वो शांत, जो पढ़ लिया वो शांत रहो बाबू। सर कुछ यूनिट नहीं दिया सर, ये मीटर है बाबू है ना, ये एक्सिस है ना, तो इसको मीटर में हम लोग लिख लेंगे ठीक है ना, ये मीटर में हो जाएगा। देखो पहला नंबर, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर हमको क्या निकालना बाबू, ए टू बी निकालना है। तो ए टू बी डिस्टेंस कितना होगा, ए से बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो ये दो मीटर है, ये फोर मीटर, ये सिक्स मीटर है, तो इतना ही ना डिस्टेंस ठीक है, इतना ही ना डिस्टेंस कवर किया बाबू। डिस्टेंस क्या होता है सर, जितना गाड़ी से आपने कवर किया, तो कहां तक, बी तक बाबू, तो कितना है छह है, सिक्स है, सिक्स किस में मीटर में है, तो ए से बी में बाबू डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, सिक्स मीटर हो जाएगा है ना सर, यहां से बी तक गया ठीक हो।
डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सर, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आपको बताया था वो स्ट्रेट लाइन का मोशन है वो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। फाइनल कितना है सर, सिक्स है सर। इनिशियल कितना बाबू, ये यहाँ जीरो से स्टार्ट है, इनिशियल क्या है, जीरो से। तो बाबू इसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट जब भी निकालना बाबू, डिस्प्लेसमेंट जब भी निकालना तो फाइनल पोजिशन क्या करना बाबू, फाइनल पोजिशन, फाइनल पोजिशन क्या करना, माइनस इनिशियल पोजिशन, इनिशियल पोजिशन यही करना ना, ठीक। जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालना बाबू, जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालना तो क्या करना बाबू, फाइनल पोजीशन। तो फाइनल कहाँ गया सर, यहीं पर बी तक गया बाबू, अभी ए ए से बी के केस में, ठीक है। तो सिक्स हो गया, फाइनल पोजीशन क्या हो गया, सिक्स मीटर हो गया, माइनस इनिशियल पोजीशन। स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, जीरो से कर रहा है, स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, जीरो से कर रहा है, जीरो से कर रहा है, तो जीरो मीटर। सिक्स माइनस जीरो कितना हो जाएगा, सिक्स मीटर हो जाएगा, ठीक ठीक बाबू। तो ये हो गया ए से बी में। दूसरा केस में क्या कर रहा सर, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकाला है, बी से सी में, बी से सी में, मतलब बाबू बी से गाड़ी चला, बी से गाड़ी चला बाबू, बी से क्या किया, गाड़ी चला बाबू और सी पे आ गया, बी से चला और सी पे आ गया। तो आपको डिस्टेंस भी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। लिखो लिखो फिर बताते हैं, लिखे जल्दी से बाबू सर, माइनस ट्वेल्व लिखे ना बाबू। अच्छा ठीक है सर, जो सब एरो एरो बनाया है वो उसका भी बना देंगे। हाँ आर्यन बाबू एरो बना लो ना, आसान सर। टुवर्ड्स सर स्ट्रेट पर, चलो ठीक है बाबू, डायरेक्शन सर सिक्स मीटर टुवर्ड्स बी ना सर। अच्छा ठीक है बाबू, इसीलिए हाँ मेरे लाल, चलो ठीक है, लिखे जल्दी लिखे। अब हम लोग बी नंबर सॉल्व करेंगे, समझ में आता है आर्यन कि नहीं आता बाबू, असलनी मेरी कहाँ गई संजना, समझ में आता है बाबू, संजना दो दो बार तो बाबू, यस सर। हाँ बाबू अब फिर कंप्लीट हो गया संजना कि बच रहा है बाबू, संजना फिर कंप्लीट हो गया कि बच रहा है बाबू, अस्मिता बाबू। हाँ बाबू ये अभी कहाँ तक पढ़ी हो फिजिक्स में बाबू, स्कूल में चाहे कोचिंग में, ग्राफ पढ़ ली हो सर, ग्राफ जस्ट आज स्टार्ट किया है। अच्छा चलो ठीक है, सर डन, हम लोग को थोड़ा तेजी से चलना पड़ेगा, तो जल्दी 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 तो स्लोप जानती हो अस्मिता, क्या सर स्लोप के बारे में जानती है बाबू, नहीं सर अभी सिर्फ वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बताया और कुछ नहीं। सर इसमें चिया नहीं कर रही है क्या, चिया बाबू लगता डर गई इसमें, तो एक्स एक्सिस कल बता दिया था ना बाबू अस्मिता, फ्रॉम बाबू बी टू सी, हम लोग कहाँ डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, बी से सी की ओर, है ना, बी नंबर क्वेश्चन क्या है, बी से सी की ओर, ठीक ठीक है बाबू, बी नंबर बताते, बी नंबर लिखो सर, जल्दी से समझो सर, जल्दी से समझना, देखो बी से सी की ओर क्या कह रहा है वो, बी से सी की ओर क्या कह रहा, गाड़ी आपको कहाँ लेके जाओ, बी पे, गाड़ी को कहाँ लेके जाओ, बी पे पहले, ठीक है सर, ये आपका फोर व्हीलर हो गया बाबू, ठीक, बी से कहाँ लाना सर, सी पे, इसको चला के कहाँ लाना बाबू, सी पे लाना, सी पे लाना, सी पे लाना, ले आए बाबू, क्या दिक्कत है, आता है सारे बच्चे को ड्राइविंग आता है, हमको नहीं आता है, ठीक है बाबू सी पे ले आए, है ना बाबू। तो कह रहा डिस्टेंस कितना होगा सर, डिस्टेंस कितना होगा बी से सी में, तो बाबू अगर ए से स्टार्ट करो तो डिस्टेंस अलग हो जाएगा, अगर बी से सी कर रहे हो तो बी से सी में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो सिक्स, देखो समझना यहाँ समझना, है ना, डिस्टेंस अगर बी से सी निकालना बाबू, बी से सी की ओर अगर डिस्टेंस निकालना है तो ये कितना है सर, छह मीटर इधर है ना बाबू, बात समझो, छह मीटर इधर है, ये सिक्स मीटर है,
ठीक बाबू। और यहाँ सी तक आया बाबू तो इधर भी कितना है सर, 6 मीटर, माइनस 6 है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता, ये ध्यान देना, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है, आपको लिखा है ना, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस हम लोग दूरी कभी निगेटिव नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता। तो अगर डिस्टेंस लिखेंगे वो डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ से कितना चलेगा, तो 6 मीटर इधर चला सर, 6 मीटर और आगे चला, यहाँ से चलेगा वो, हाँ वो यहाँ से देखो 6 से पहले कहाँ आएगा सर, 6 से चलकर गाड़ी कहाँ आएगा सर, 0 पे आ गया, और 0 से 6 मीटर और आगे चल गया तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 12 मीटर हो गया। गाड़ी बाबू चलाना शुरू करोगे तो गाड़ी का जो ऑडियोमीटर है आपको कितना दिखाएगा, 12 मीटर दिखाएगा। ठीक, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सर, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमेशा क्या करना बाबू, हाँ डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमेशा क्या करना, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करना, डिस्प्लेसमेंट जब भी निकालना तो फाइनल कहाँ पहुंचा, आज कहाँ से स्टार्ट किया, उसी को सबट्रैक्ट करना। डिस्प्लेसमेंट जिंदगी में जब भी निकालना बाबू तो फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन, ठीक ठीक बाबू, डिस्प्लेसमेंट जब भी निकालना क्या करना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना। फाइनल पोजीशन कितना गया सर, डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन के साथ लेना, माइनस 6 गया है, ठीक है सर, माइनस इनिशियल बाबू यहां से चल के यही ना गया तो कहां पे पहुंच गया, माइनस 6 पे पहुंच गया। डिस्प्लेसमेंट में आपको बताया प्लस माइनस सब होता है, 0 भी होता है, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, तो माइनस 6 पे पहुंच गया, फाइनल ये हो गया। स्टार्ट कहां से किया था सर, 6 से स्टार्ट किया था ना, तो सी माइनस इनिशियल पोजीशन कहाँ, 6 हो गया, किस में, मीटर में, माइनस 6 माइनस 12 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट सूर्य में बताया था, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तो यहाँ निगेटिव आ गया, निगेटिव आ गया, है ना बाबू, निगेटिव आ गया, निगेटिव मेरा क्या बताया, तो इस निगेटिव को अगर पॉजिटिव लिखोगे तो 12 मीटर लिखोगे बाबू, और डायरेक्शन किधर कर दोगे, टुवर्ड्स सी की ओर कर दोगे। लिखिए, एगो बना के लाइए, राइट और लेफ्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस प्लस कौन रिप्रेजेंट करता है। अरे मेरे लाल नंबर लाइन नहीं पढ़ा है बाबू, ओरिजिन के इधर 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 सारा का सारा पॉजिटिव है लो सर, टाइम नंबर लाइन नहीं सर, हाँ बाबू से आता है ना, राइट हैंड साइड जा रहा है तो उसको माइनस मिलेंगे या प्लस में, तो वो नंबर लाइन के साथ टाइम हो गया। अच्छा बताते हैं, ये हो गया निगेटिव, हाँ डिस्प्लेसमेंट माइनस में आ जाएगा सर। अरे बाबू तो माइनस 12 मीटर आया ना बाबू, तो माइनस अगर हटाओगे तो डायरेक्शन दोगे ना, ठीक है, ये माइनस हटा के हमने एक डायरेक्शन सी, तो सी मेरा किधर है, निगेटिव है ना बाबू, सी मेरा किधर है, निगेटिव की ओर है, सी मेरा क्या है, निगेटिव की ओर है ना, निगेटिव है लो, हाँ बाबू अंकित, राइट हैंड साइड पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव है, हाँ मेरे ला, देखो बाबू अंकित अगर बाबू आप यहाँ पे खड़े होंगे, अरे शैतान ठीक है बाबू टाइम हो गया, अगला पड़ता राइट साइड लोगे, एक्स एक्सिस के राइट साइड लोगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू लेना, बसरते आप यहीं पे खड़ा होकर राइट साइड जा रहे हो तो पॉजिटिव ले लेना, और इधर खड़ा होकर लेफ्ट साइड जा रहे हो तो निगेटिव ले लेना, समझा अंकित? यस सर, ठीक है। अरे मेरे ला, जैसे ये हो गया ओरिजिन यहाँ पे, तो इधर निगेटिव होता माइनस 4 हो गया, मान लो गाड़ी यहाँ से चलाना शुरू किया और इधर जा रहे हो तो ये राइट साइड जा रहे हो तो पॉजिटिव वैल्यू ले लेना, और मान लो पॉजिटिव में खड़ा होके बाबू, पॉजिटिव में खड़ा होके अगर निगेटिव साइड जा रहे हो, इधर आ रहे हो लेफ्ट साइड जा रहे हो, तो निगेटिव वैल्यू ले लेना। यस सर, समझ गया। चलो ठीक है बाबू, एक और है, एक सी नंबर बना के लाइएगा, कल हम लोग वेलोसिटी पढ़ लेंगे, वेलोसिटी पढ़ लेंगे, उस पर क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद एक्सीलरेशन पढ़ा देंगे, क्वेश्चन कर लेंगे, थोड़ा सा फोर्स के बारे में बता देंगे, जब पढ़ना है सालने के सिलेबस में पढ़ना है तो फोर्स के बारे में बता देंगे, फोर्स प्रेशर के बारे में, है ना। आप लोग अपना अपना जिसका जिसका सिलेबस जो टॉपिक है बाबू भेज दीजिएगा, क्लास 9 वाला स्टूडेंट सर भेज चुके हैं, साउंड पढ़ा दो, केमिस्ट्री बायो साउंड पढ़ाइए सर मेरे, बाय बाय बाबू, बाय सर, हेलो सर, हां प्रत्युषा सर, वो जो 8:30 से 9:30 वाला मैं और अटेंड नहीं कर पाऊंगी, ठीक है बाबू, ओके सर, बाय सर, गुड नाइट सर, बाय बाबू।